बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए चिकन रेशमी कबाब की रेसिपी लेके आया हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि आपके कबाब क्यों टूट जाते हैं, आपके कबाब क्यों कच्चे रह जाते हैं, कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो आप करते हैं, और कौन से ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि अगर आपको पता हो तो इतने ही परफेक्ट लचकदार रेशमी कबाब आप बना सकेंगे। और इसके साथ साथ बहुत सी अहम बातें भी होंगी रेसिपी को लेके। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे हमने एक चिकन का चेस्ट का पीस लिया है बोनलेस, और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में हमने डिवाइड कर लिया क्योंकि हमने इसको चॉपर में डालना है। तो ये लें जी, हो गया। अब ख़ास बात, सबसे पहला टिप, प्याज को हमने ग्रेट किया है, ठीक है, यानी कि कद्दूकश, और इस तरह से दबा कर आपने इसका पानी निकाल लेना है अच्छी तरह से, ज़ोर से। ये देखिए आप, ये दो प्याज लिए हैं मैंने और देखें कितना सारा पानी इसमें से निकल गया है। तो सबसे पहला टिप जहन में रखिएगा। अब अपने प्यारे से बॉल में हम डालेंगे चिकन को, बोनलेस चिकन, वन चिकन का जो था इसमें ऐड कर देंगे ये प्याज जिसको हमने ग्रेट किया हुआ है, और ये दो प्याज हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास है 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट जो मैंने अभी फ्रेश बनाया है, और ये है हमारे पास 3 से 4 अदद हरी मिर्चें जो मैंने काट के ऐड की हैं क्योंकि अभी इसको चॉपर में डालना है। तो ये है हमारे पास अदरक जिसको मैंने कूट के उसका पानी निकाल लिया था, और 1 टेबल स्पून ये जाएगा इसमें। यहाँ पे ये हमारे पास कबाब चीनी है 10 पीस, और ये है एक हमारे पास पीपली। पीपली जो होती है इसका फ्लेवर और दार, ये जो कबाब चीनी है बहुत ही शानदार खुशबू होती है, फ्लेवर होता है, मतलब ये कबाब को ना कबाब की खुशबू देते हैं। अगर ये आप ऐड नहीं करेंगे तो आपके कबाब में से बाजार वाली खुशबू नहीं आएगी। 1 टेबलस्पून जाएगा ज़ीरा साबुत, और इसको मैंने तवे पे रोस्ट कर लिया था, ये भी हम फ्रेश कूट के ऐड करेंगे, पिसा हुआ नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तो ये थी पीपली एक, और कबाब चीनी, ये आपको जनरल स्टोर से नहीं मिलेगी, हकीम या पंसारी से मिलेगी, ठीक है। ये 1 टेबलस्पून ज़ीरे का जो हमने अभी फ्रेश कूटा है। 1 टीस्पून जाएगा नमक, नमक इसमें कम यूज़ होगा, आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, इसमें लाल मिर्च भी कम जाएगी, और 1 टीस्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च क्योंकि इसमें जो फ्लेवर है वो क्रीमी होता है। 1 टेबलस्पून जाएगा खुश्क धनिया पाउडर, और इन सब चीज़ों को अब हम कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स। अभी और भी बहुत से मसाले हैं जो आगे जाके ऐड होंगे, ठीक है। ये है हमारे पास 3 डबल रोटियों के ब्रेड क्रम्स, मतलब उनको मैंने पीस लिया था, और ये आपने मीठे वाली नहीं लेनी, ठीक है। ये जो सैंडविच बनाने वाली ब्रेड होती है ना, उसका आपने ये चूड़ा करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारे कबाब जो हैं वो लचकदार होंगे और वो टूटेंगे नहीं। तो ये भी एक टिप है, आपने जहन में रखना है। तो इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, और हमारे पास यहाँ पर है चॉपर, इसको हम अच्छी तरह से इसके अंदर डाल के एक जान कर लेंगे, पीस लेंगे। अगर आपके पास चॉपर अवेलेबल नहीं है तो आप कीमा बनाने वाली जो मशीन होती है, जो कसाईयों के पास होती है, उनके पास ले जाके वहाँ से भी इसका एक दफ़ा वो पिसवा सकते हैं कीमे वाली मशीन से। तो ये लें जी, बहुत अच्छे से ये एक जान हो चुका है, ये देखें अभी भी इसमें काफ़ी और चीज़ें जानी है, ठीक है। तो जब अच्छी तरह से हमने इसको पीस लिया है तो इसको अपने प्यारे से बाउल में ऐड करेंगे, और इसके अंदर अब हम इसके अंदर डालेंगे, ये है हमारे पास क्रीम, टेट्रापैक क्रीम है, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। आप घर में आम जो मलबलाई होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये है हमारे पास बटर, ये भी तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून जाएगा। इसको मैंने मेल्ट कर लिया ताकि ये अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। अब बहुत ध्यान से आप देखिएगा, ये बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपने मिस नहीं करनी। इन सभी चीज़ों को आप मिक्स कर देंगे और ये हो जाएंगी थोड़ी सी सॉफ्ट, और आपको लगेगा कि आपके कबाब टूट जाएंगे। आपने क्या करना है, आपने इस सारे मिक्सचर को मिक्स करके फ्रिज में रख देना है। तो मेरे पास टाइम कम था तो मैंने इस तरह से इसको एक बड़ी सी डिश में फैला के फिर फ्रीज़र में रखा था तकरीबन 10 मिनट, लेकिन आपने फ्रिज में रखना है इसको कम से कम 1 घंटा। तो इससे क्या होगा, इसका जो बटर है वो भी जम जाएगा और क्रीम भी हार्ड हो जाएगी, और हमारा जो ओवरऑल ये बैटर है ये सख्त हो जाएगा। इससे क्या होगा, हम कबाब आसानी से बना लेंगे और वो टूटेगा भी नहीं। तो ये एक टिप है, जहन में रखिएगा। अगर आपके कबाब टूट रहे हों तो आप उसको फ्रिज में रख दें 1 घंटा, अगर जल्दी है तो इस तरह से फैला के आप फ्रीज़र में रख लें। 3 से 4 यहाँ पे मैंने बारबेक्यू स्टिक्स लिए हैं जिनको मैंने धागे से बांध लिया है,
क्योंकि घरों में अब वो हम अब पैन में बनाना है तो वो लोहे वाली स्टिक्स तो यहाँ पे यूज़ नहीं होगी। तो इस तरह से आपने कबाब बना लेना और ये देखेंगे कितना परफेक्ट है, माशाल्लाह से टूट नहीं रहा। और इस तरह से उंगलियों से आपने ऊपर निशान बना लेना है खूबसूरती के लिए, बिल्कुल प्रोफेशनल लुक आ जाएगी, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देख लें आप कितना परफेक्ट बन गया। तो माशाल्लाह से यहाँ पे हमने तैयार कर लिए तकरीबन 8 से 10, यहाँ पे ये 5-6 पड़े। तो अब हमने क्या करना है, हम लेंगे फ्लेम के ऊपर रखेंगे अपना प्यारा सा पैन और इसके अंदर जस्ट 3 से 4 टेबलस्पून डालेंगे कुकिंग ऑयल के, बस इतना सा। अच्छे से ग्रीस कर देंगे पैन को और आंच चेक कर लेंगे, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो चिकन के कबाब होते हैं ये बहुत कम आंच पे पकते हैं, बीफ हो तो आप ज़्यादा आंच कर सकते हैं। तो ये देखें आप, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपको बबल से पता चल रहा होगा कि आंच कितनी है। तो सभी कबाबों को रख देते हैं अल्लाह का नाम लेके। तो रेशमी कबाब जो होते हैं इनकी खुशबू भी डिफरेंट होती है, ये जब आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चलेगा। ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत गोल्डन और रेड कलर आया, ऐसा क्यों? क्योंकि हमने इसको कम आंच में पकाया है। हर साइड को आपने तकरीबन 3-3 मिनट देने, और चूंकि पैन में है इसलिए आप इसको जिस साइड पर मर्जी घुमा लें बहुत परफेक्टली। टोटल मैंने इसको तकरीबन 12 से 13 मिनट पकाया, ठीक है, और ये डन हो चुके हैं। इनकेस ये डन ना हो तो आप इसको थोड़ी सी कम आँच के ऊपर ज़्यादा पका सकते हैं, लेकिन आंच कम होनी चाहिए। तो अब हम इसको देंगे स्मोक, जो इसको बहुत ही शानदार फ्लेवर देगा। हरी मिर्ची और प्याज इनको भी स्मोकी कर लेंगे। कोयला रखेंगे एक जला हुआ और उसके ऊपर डालेंगे कुकिंग ऑयल और ऊपर रख देंगे ढक्कन। तो अब आपने कमाल देखना है जस्ट 30 सेकंड के अंदर क्या होता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी यहाँ पे खुशबुएं आप पूछे मत पूरे मोहल्ले में फैल चुकी हैं। और आप लुक देखिए कितनी शानदार है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको आपने उतारना कैसे है। ये देखें, फ्रंट से आप थोड़ा सा प्रेस करेंगे इनसाइड, फिर आपने इसको आउटसाइड इस तरह से निकाल लेना है। और मैं अब आपको दिखाता हूँ, इसको तोड़ के भी दिखाएंगे और दिखाएंगे कितना ये लचकीला है। तो देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये है मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में हमारे खानों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ये वो कबाब हैं जो आपको मैं नहीं मानता कि रेस्टोरेंट से भी मिलेंगे, क्योंकि आपने अपने हाथों से इतने प्यार से इतनी सफाई से एक एक चीज़ को इसमें ऐड किया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर कितनी लचक है। ये देखें आप, ये बिल्कुल भी टूटने वाले नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है। इसके ऊपर आपको कुछ भी बांधने लपेटने की ज़रूरत नहीं, ये बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि ये परफेक्ट रेसिपी है, बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और एंड पे जाके बिल्कुल ये देखें, जब बिल्कुल बेंड कर दिया तो ये टूटे। और कैसे लगाते हैं इसको, या आप इसके साथ मिंट सॉस ले लें, जो भी आपको अच्छा लगे। दोस्तों अगर आपको लगता है मैंने आपको कुछ भी सिखाया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को लाइक करना हरगिज़ नहीं भूलना आपने। प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और इजाज़त अंसारी को दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।